हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। आज की शुरुआत काफ़ी लेट हो रही है, अभी सुबह के लगभग 11-12 बज चुके हैं। मैं जा रहा हूं अब कॉलेज, और आज सुबह मैं 8 बजे उठ गया था, तब से अपने असाइनमेंट बना रहा था। कुछ तो दोस्तों ने बनाए, मैंने सोचा कुछ अपने आप भी बना लेते हैं। तो बढ़िया से कॉलेज में पहुँच चुका हूँ, और मेरे पास संस्कृत वाला असाइनमेंट भी था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है, तो इसमें मैंने बना के रेडी कर दिया। इसमें फाइल वाला पेपर नहीं लग रहा है, ऐसी कॉपी लगेगी। तो एक असाइनमेंट मेरा ख़राब चला गया, जिस कारण मेरी पूरी मेहनत ख़राब गई, और फिर मैंने ये बनाया। इसमें बहुत नॉर्मल है, तो इसको ही जमा कराते हैं। तो ये असाइनमेंट मैंने खुद बनाया है, क्योंकि दो असाइनमेंट मेरे किसी और ने बनाए थे। अभी यहाँ पे सर तो नहीं है, बट हम खुद ही जमा कर रहे हैं। अरे बहुत हार्ड लिस्ट वाली। ये जमा करने से पहले इसमें एंट्री करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे रोल नंबर चेक किया जा रहा है, 113। तो असाइनमेंट मैंने खुद ही इसलिए जमा किए हैं क्योंकि टीचरों की ड्यूटी लगी हुई है, तो आजकल क्लासेस भी नहीं चल रही हैं। बहुत से लोग मुझे बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे, और कल वाले ब्लॉग में मुझे बहुत हेट मिला। सब ने बोला कि तूने अपने असाइनमेंट खुद ही क्यों नहीं बनाए। दोस्तों, मैं चाहे तो ब्लॉग में झूठ भी बोल सकता था कि सब मैंने बनाए, लेकिन मैंने फिर भी बोला कि भाई जिसने बनाए हैं उसी का नाम तो लेना चाहिए। इसलिए दोस्तों मैंने सारी बातें सच सच बोली हैं कि भाई मैंने नहीं बनाए हैं, किसी और ने बनाए हैं। तो क्या करें दोस्तों, आदमी इतना बिजी है, घर पर काम भी है, ऊपर से ब्लॉग भी डालना होता है। अगर ब्लॉग ना डालो तो मेन रोजी रोटी हमारी ब्लॉग ही है। पढ़ाई मेरी इस टाइम साइड से चल रही है, मतलब मेन प्रायोरिटी मेरी इस टाइम ब्लॉगिंग ही है, क्योंकि रोजी रोटी जो भी आप मिलता है आप सभी के थ्रू मिलता है, तो इस वजह से ब्लॉग पे ज़्यादा फोकस है। चलिए दोस्तों, अभी अगस्त मुनि कॉलेज के पास मैं पहुंच चुका हूं। बाकी आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, काफ़ी सारी गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है। मैं बता रहा था कि यहां पे उपचुनाव के जो इलेक्शन है वो होने वाले हैं बहुत जल्दी। जो हमारी केदारनाथ विधानसभा की विधायिका थी, उनकी डेथ हो गई थी, अचानक उनकी डेथ हो गई थी, जिस कारण फिर से उपचुनाव होंगे, और इस वजह से यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, तो बहुत सारी गाड़ियाँ आ रखी हैं। बहुत सारी भीड़ है, 50 साल नहीं, ये इलेक्शन की वजह से है भीड़। वो क्या नहीं बोलती। दोस्तों, यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं बहुत जल्दी, तो इस वजह से जितने भी टीचर लोग हैं वो आ रखे हैं, और इस वजह से उनकी ट्रेनिंग चलेगी यहाँ पे, उसके बाद तैयारियाँ चलेंगी। तो उसने बोलने नहीं दिया, मैं आपको ढंग से बता देता हूँ। जो हमारी केदारनाथ विधानसभा की जो विधायिका थी, वो अचानक उनकी डेथ हो गई थी, इस कारण उपचुनाव हो रहे हैं, तो फिर से चुनाव होंगे, जिस कारण यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर टीचरों की ट्रेनिंग हो रही है, और चुनाव में वो सबकी ड्यूटी लगेगी, जैसे पुलिस वालों की लग रही है, पीआरडी वालों की, तो ऐसे टीचरों की भी ड्यूटी लगेगी। इस वजह से यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ आ रखी है, कैटरिंग का सिस्टम भी यहीं पे है सभी के लिए। केदारनाथ विधानसभा से जो चुनाव होने वाले हैं, उनकी डेट है 20 नवंबर। मेरा वोट मेरी शान, लेकिन हम हैं रुद्रप्रयाग विधानसभा से। अभी दोस्तों सभी टीचर लोग फ्री हो गए हैं, और सभी के लिए लंच की व्यवस्था भी है यहाँ पे। ये भाई इसीलिए विदाउट में आया है, देखो कौन निकाल रहा है। मिलेगा खाना, हैं? खाना मिलेगा, मिलेगा। चलो लाइन भी देख रहे हो पहले, कोई बात नहीं। हम सुबह से यहाँ खड़े हो रखे हैं, सुबह से यहाँ। तुम दोनों साथ में बहुत दिख रहे हो आजकल, भाई बहन की जोड़ी बहुत है। ये हमारी वीडियोस देखती है, थैंक यू सो मच। ये एक नंबर की बाय। और दोस्तों मुझे यहाँ पे मिली है छोटी बहन, जो कि हमारी वीडियोस भी देखती है, और इसने कहा था मुझे भी लेना ब्लॉग में, परसों भूल गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बस देखते रहना। बहुत बड़ी फैन है, और मैं भैया का हर एक ब्लॉग देखती हूँ, सारे ब्लॉग देखती है, थैंक यू सो मच। गाँव का है, थैंक यू सो मच। बाकी दोस्तों यहाँ इतना गर्माया माहौल है ना, लड़ाई लड़ाई वाला सीन है। और लोकेश भाई भी मिला मुझे अभी अभी। अभी दोस्तों लगभग दिन के 1 बज चुके हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे लंच। मुझे यहाँ पे लोकेश भाई भी मिला है, कैसा है? बढ़िया। अभी लंच करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। शाम चुनाव चल रहे हैं, खाना पीना यही है, तो हमने बोला हम भी खा लेते हैं, क्यों भाई? शाम को रामलीला आएगा? हाँ, शाम को रामलीला चलेंगे। हाँ, रामलीला दिखाएंगे दोस्तों आपको। खाने में स्पेशल है, पुलाव है, दाल है, और स्पेशल सब्जी है। तो अभी दोस्तों मैंने और मांग लिया है, सुबह नाश्ता नहीं किया था ढंग से। बाकी यहाँ पे हमारे भानु भाई अध्यक्ष जी, कैसे हो? ये टेंट जो है वो मेरे एक भाई का है, तो आप उनको संपर्क कर सकते हो, वैसे काफी अच्छा आदमी हो। हाँ,
खाना बहुत टेस्टी है, गजब। तो ये खाना छुपाते हुए, आपकी शक्ल दिख रही है शैलजा, आप खा सकते हो। ये छह पूरी खा दी है इसने, अपने दोस्तों को नहीं बताया, खास करके तुम। बढ़िया से हमने लंच कर दिया है, अब चलें फिर। हाँ, खाना बढ़िया था ना? बहुत बढ़िया था, और मेरा जो काम था मैंने सेकंड ईयर में एडमिशन कराया, वो काम भी हो गया है। बहुत बहुत बधाई हो गया है। क्यों? हाँ यार, सोच ही रहे थे अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, बाकी यहाँ लड़ाइयाँ भी चल रही हैं आजकल, बट क्या बताएं। कुछ लकड़ी दोस्तों कैंप वाले ले आए थे, लेकिन देखो भाई जो अगस्त मुनि के लोकल लोग हैं वो भी आ रखे हैं लकड़ी लेने के लिए, और ये फाड़ने पे लगे हुए हैं। तो गंगानगर के पास में है, यहाँ पे आपको जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं सारे गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं। दोस्तों वापिस से खुशी मुझे मिल गई है, और अभी अभी मुझे पता चला ये भी ब्लॉग्स बनाती है, मतलब अभी पता लगा मुझे जस्ट, क्योंकि ये बना रही थी ठस करके, चुपके से बना रही थी ये ब्लॉग। तो इसके चैनल का नाम है वैष्णव खुशी ब्लॉग्स, आप लोग एक बार ज़रूर जाएं और कमेंट भी कर देना अमित नेगी की भाई की तरफ से आए हैं। बाकी काफ़ी बढ़िया लगा, आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो ब्लॉग बनाना सिखा रहा हूँ, लेकिन ये नेता लोग कुछ करने नहीं दे रहे यार। अरे यार भाई साहब, यहाँ बच्चों की मदद कर रहे हैं, ए बी सी आई बना रहे हैं जो इनके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें इनका रिजल्ट खुलने वाला है। जी फ्री में? जी फ्री में, ये सपोर्ट दे देना है स्टूडेंट फॉर सेवा। ओह माय गॉड, नाइस, कॉन्फिडेंस रखना। तो फ्रेंड्स अभी मेरे साथ हैं, जोर से बोलना क्या, थोड़ा सा तेज। तो फ्रेंड्स अभी मेरे साथ हैं अमित नेगी व्लॉग, और इसने मेरे असाइनमेंट बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी बढ़िया लगा। ये मेरे को आज ब्लॉग बनाना सिखा रहे वाले। मैंने कहा ये भी सीख लेगी, मतलब ब्लॉग बनाना तो इसको आता है, लेकिन ये थोड़ा यूनिक ब्लॉग बनाएगी। हाँ थोड़ा बहुत अभी, हमेशा फ्रंट कैमरे से बनाती थी, लेकिन आज बैक कैमरे से बना रही है। हाँ, आज पहली बार भैया ने बोला बल्कि ऐसे में बना वाला, मैं सिखाता हूँ तेरे को कैसे बनाते हैं ब्लॉग। अभी दोस्तों असाइनमेंट जमा हो चुके हैं, अब घर जाने की तैयारी हो गई है, बाकी क्लासेस तो चल नहीं रही हैं, और एक दो दिन में छुट्टी भी पड़ने वाली है दीपावली की। और अभी अभी मुझे एक ब्लू डर्ट की तरफ से एक पार्सल आया है, इसकी ओपनिंग भी घर जाके ही करेंगे। आगे कॉलेज गेट पे साक्षी मेरा इंतजार कर रही होगी। सकते हो चार धाम यात्रा का ट्रैफिक कितना ज़्यादा लगा हुआ है कॉलेज के पास में भी, और अभी साक्षी भी आ गई है। साक्षी सुबह आ गई थी, कल तो मैं यहीं था, तो चलें। इसने मेरा काफ़ी देर वेट किया, अभी तक मैं अपना असाइनमेंट जमा कर रहा था। चलें, भूख लग गई बल। चलिए भाई निकलते हैं आगे की ओर। हर हर महादेव। तो पीछे वाले टायर में हवा कम हो गई थी, हवा भराते हैं अब लगता है ये टायर भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि बार बार पंचर और हवा डलवानी पड़ रही है। और यहाँ पे हमारे भाई मिले हैं, कैसे हो, जो कि हमारे गांव से तो नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोस के गांव से, ऐसी जगह से है कि वीरान जगह पे इनका घर है, ख़तरनाक जगह पर जहाँ से हम आम लाते हैं, कुछ ऐसी जगह है वो भी। बाकी अभी तक साक्षी को मैंने फास्ट फूड में चाउमीन भी खिलाई, क्योंकि ये मेरी एडिटिंग में भी बहुत मदद करती है। वैसे मैं इसको फास्ट फूड खाने को मना करता हूँ, क्योंकि मैंने छोड़ दिया, पर कभी कभार मैं खुद ही खिला देता हूँ इसको। तो चलते चलते पहुँच चुके हैं अपने गांव में, सॉरी बाइक चलाते चलाते। और साक्षी कैसा लग रहा है, आर यू ओके? भाई गांव की धूप देख के ऐसा लग रहा है कि वहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अंधेरा होता, और हमारे गाँव में इतनी ज़्यादा धूप होती है कि, क्योंकि हम इतने टॉप पे हैं ना दोस्तों, ये देखो भाई आस पास के पहाड़ भी नीचे दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों अभी घर पे पहुंच चुका, और यहाँ पे मम्मी दाल साफ कर रही हैं। कैसे हो आप, कैसी है तबीयत? इसमें बहुत लंबा रेस्ट करना पड़ेगा, इतने सारे लोगों के कमेंट आ रखे थे कि कमर दर्द सबसे। रात को तो मेरे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, जिस तरफ पड़ो उसी तरफ दर्द ज्यादा हो रहा। क्या करें, ऊपर से गाय भैंस भी पाल रखे हैं, सबसे बड़ी समस्या तो यह है, और तब घास लाना भी पड़ेगा। बाकी इस साइड देखो, जो मम्मी के पास दाल है वो गहत की दाल है, और इधर भी गहत की दाल है, इधर जो दाल है वो रेंस की दाल है। अभी शाम के चार बज चुके हैं, साक्षी भी चाय, कड़क दूध की चाय और नमकीन। हाँ तो नमकीन भी ले आई है स्पेशल, मैं लाया था नमकीन, और चाय बड़ी कड़क है भाई, क्या बताएं, भाई चाय पियो। हाँ विदेख सम बागन पकड़ी भाई साहब, अभी बाघ आ गया था दोस्तों, जैकी को पकड़ लिया था उसने, पता नहीं किस्मत अच्छी है उसकी छूट गई है। दादी आवाज़ भी आई कुत्ते की?
भाई उधर चाची लोग सब लोग परेशान भाई, बाघ से छुड़ा दिया अभी कुत्ते को, वो नीचे ताई लोग के यहाँ रहता है जैकी ना भाई। भाई साहब पिछली बार टाइटन को भी यहीं से लेके गया था याद है, उस टाइम यहाँ थे हम उस साइड बैठे हुए थे भाई। हमारे गांव में इतने सारे डॉग्स थे क्या बताना, दो डॉग तो हमारे लेके गया, एक पहले जैकी था फिर टाइटन था, अभी जो नया जैकी है वो नीचे ताऊ लोग के यहाँ है, और वो भी भाई किस्मत है उसकी कि वो बच गया, हमने कितना हल्ला किया यहाँ से खतरनाक। तो इसकी आंखें देखो बिल्कुल ऐसा लग रही है जैसे अभी रोती है। टाइटन को कब ले गया बाघ? टाइटन को बाघ नहीं ले गया था, जैकी को ले गया था, सॉरी बाघ। तो रो क्यों रही है तो? अब तो मुझे डर लग रही है भाई, इसकी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं भाई छोटी छोटी सी बातों पे। साक्षी दोस्तों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है छोटी छोटी बातों पे, लेकिन भाई जब मेरा डॉग गया था ना जैकी, तो मैं कितना रोया था मुझे ही पता है, और मुझे डॉग से इतना लगाव है दोस्तों क्या बताना। हमारी बीच में बहुत साल पहले गाय भी लेके गया था, उस कारण अब हमने लोहे के गेट बनवा दिए हैं। पहाड़ों में सबसे ज्यादा खतरा इसी का रहता है कि भाई बाघ ले जाए, रात को भूत, मतलब ऐसी चीज में नेगेटिव, अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिव भी होती है, और सबसे ज्यादा उतना डर भूत का नहीं रहता जितना बाघ का रहता है, कभी भी कहीं भी अटैक कर सकता है। इस वजह से हम लोग बिल्कुल सेफ, 7 बजे तक हमारा खाना भी हो जाता है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले रात पड़ी, मतलब 10-15 मिनट ही हुए होंगे, और बाघ ने सीधा अटैक कर दिया डॉग पे। आई होप कि भाई बच गया भाई, सबसे बड़ी डर इसी बात की थी क्योंकि वो डॉग भी मैं लाया था अपने पास, और हमारा जो डॉग है वो तो चल बसा, लेकिन जो वो डॉग है वो मतलब मैं ही लाया था, लेकिन अब ताऊ लोगों के पास से बिल्कुल सेफ है। अभी दोस्तों समय आ गया है डिनर करने का, लेकिन उससे पहले मैं बोला था ना ये पार्सल खोलना है, पार्सल आपको कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है, ये है ब्लू डर्ट एक्सप्रेस वे से, लेकिन अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया पैकिंग कर रखी है इन्होंने, ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ ऐसी कीमती खतरनाक चीज आई होगी। बट आपको दिखाते हैं दोस्तों, बहुत दिनों से मैं बहुत प्रॉब्लम में चल रहा था और आज उसका सॉल्यूशन भी मिल गया है। ऐसा ही काटना पड़ेगा भाई, लग ऐसा रहा खतरनाक चीज होगी। इसमें मंगा रखा है दोस्तों मैंने ब्लू डर्ट से एक्सप्रेस वे, जो की एक एप्पल का आइटम है। खोलने के लिए सगोर होना चाहिए, ये देखो जान होनी चाहिए है, कुछ नहीं तेरे पास हो इसके अंदर खजाना होगा। इसके अंदर है ये एप्पल का एक छोटा सा आइटम, और उसके अंदर भी इतना होगा, और इसके अंदर भी देखो यार, तो वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकली चुइया, तो ये देखो भाई इतना ही बहुत काम किया है। लेकिन ये मेरे इतना काम का है, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा मैं अपने ब्लॉग में माइक यूज नहीं कर पा रहा था, और मैंने माइक लिया था हॉलीलैंड लार्क M2। बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे थे अमित भाई कौन सा माइक यूज करते हो, तो ये है हॉलीलैंड लार्क M2, जो कि हमारे पिताजी ने, मेरे पापा ने मेरे को गिफ्ट में दिया था मेरे बर्थडे के दिन, तो कुछ तो अच्छी चीज दी थी, और मुझे बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि इसमें ये चीज खो गई थी अंकित भाई की शादी, ओह पहाड़ी की शादी में, तो फिर मुझे जाके मिली है, अब ऑनलाइन मंगाई है, अब जाके मैं ये माइक यूज कर पाऊंगा, अब जो आपको आवाज आएगी आगे वो माइक से आएगी, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कैसी आवाज है। पॉइंट ये है कि ये वायरलेस माइक है, मतलब मैं फोन से काफी दूर भी चले जाऊं तब भी मेरी आवाज आपको साफ सुनाई देगी, और ये मैं काफी पहले ले आया था। और इसमें एक और है, जैसे हमारे बैकग्राउंड में जैसे बहुत सारा शोर हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन दबा दो, आपको मेरी आवाज थोड़ा कम सुनाई देगी, थोड़ा बैठ जाती है इसमें आवाज। बाकी मम्मी की तबीयत थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा ठीक भी नहीं है, और आप सभी से भी विदा लेते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी नई वीडियो डालूं आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय देवी उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय सभी को।